Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Richa. In today's video, I'm going to create this colorful hello eye makeup look. So without further ado, let's get straight into the video. सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना आई बेस रेडी करा है. आई बेस को रेडी करने के लिए मैंने एक लाइटर शेड का कंसीलर अपने आईलिड्स पे अच्छे से लगाया है. लाइटर शेड का कंसीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट शेड कंसीलर्स पर आई शेडो का कलर और ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता है. इस कंसीलर को हमने एक लूज पाउडर की हेल्प से सेट करा है और अब हमारा आई बेस आई शेडो एप्लीकेशन के लिए रेडी है. सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डार्क पिंक आई शेडो लिया है और उसको अपनी क्रीज लाइन पर अच्छे से लगाया है और इस डार्क पिंक आई शेडो के ऊपर हम एक वाइब्रेंट पिंक आई शेडो शेड को लगाएंगे और इन दोनों आई शेडो को एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिससे दोनों कलर आपस में बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाएं और हमें कोई भी हार्श लाइन ना मिले. जब भी हम आई शेडो को ब्लेंड करते हैं उसके लिए टेक्निक ये है कि हमें ब्रश को पॉइंट से थोड़ा सा दूर से पकड़ना है और बहुत ही लाइट हैंड से सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड करना है. इससे कलर बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ होंगे और हमारी आईलिड्स पे कोई भी हार्श लाइन नहीं आएगी. और अब एक स्मॉल पेंसिल ब्रश में हम ब्लैक आई शेडो लेंगे और उसको आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा डिपॉजिट करेंगे और अब एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम इस ब्लैक आई शेडो को अच्छे से स्मच करेंगे. रीज़न हम यहाँ पर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये ब्लैक आई शेडो आईलाइट से बहुत ऊपर नहीं चाहिए, ये हमें कुछ लिमिटेड स्पेस पे ही चाहिए जिसके लिए हम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करेंगे. और अब हम एक फ्लैट ब्रश पर थोड़ा सा कंसीलर लेकर के मिडल ऑफ द लिड में एक यू शेप में क्रीज बनाएंगे और जो भी कंसीलर हमारे ब्रश पे है उसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. याद रहे हमें इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे कंसीलर नहीं लगाना है, हमें सिर्फ मिड ऑफ द आईलेट पे ही कंसीलर लगाना है. कंसीलर आईलेट्स पे अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और अब एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश पर हम येलो आई शेडो लेकर के उसको सेंटर ऑफ द लिड में अच्छे से डिपॉजिट करेंगे और अब उस सेम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पर जो बचा हुआ ब्लैक आई शेडो है उसे हम इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जिससे वो येलो आई शेडो के साथ बहुत ही अच्छे से स्मज आउट हो जाए और हमें कोई भी हार्श लाइन नहीं मिले. इसके बाद हम आईलाइनर एप्लीकेशन करेंगे. मैंने जेल आईलाइनर यूज़ करा है, आप चाहें तो लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर सिंपल आईलाइनर ड्रॉ करा है, कोई भी विंग नहीं बनाई है. साथ में मैंने उसके ऊपर आईलैशेस लगा दी हैं. आईलैश एप्लीकेशन के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. अब हम फेस मेकअप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर मैंने कलर बार का प्राइमर अपने फेस पर अच्छे से लगाया है और अब हम अपना कलर करेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसके लिए यहाँ पर मैंने फॉरएवर 52 का ये कैमोफ्लेज पैलेट यूज़ करा है. इसका मैंने यहाँ पर जो ऑरेंज शेड है ये अपने डार्क सर्कल्स पर और अराउंड द माउथ अच्छे से लगाया है और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करा है. ब्लेंड करने के बाद इसका कलर है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हो गया है और जिससे मेरे डार्क सर्कल्स और जितने भी ब्लेमिशेस थे मेरे फेस पर वो बहुत ही अच्छे से हाइड हो गए हैं. यहाँ पर मैंने एले गर्ल का ये फाउंडेशन यूज़ करा है क्योंकि एले गर्ल का फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर के थोड़ा सा डार्क हो जाता है. इसके लिए मैंने एक शेड लाइटर फाउंडेशन यूज़ करा है जिससे ऑक्सीडाइज होने के बाद भी मेरे सेम स्किन टोन का ही रहेगा. इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपनी स्किन पर और यहाँ पर मैंने लॉरा गैलर का ये कंसीलर यूज़ करा है क्योंकि मैं अपने डार्क सर्कल्स ऑलरेडी हाइड कर चुकी हूँ. इसके लिए मैंने सिर्फ अपने इनर कॉर्नर पे ब्रिज ऑफ द नोज़ पर इसको हाइलाइटिंग इफेक्ट के लिए लगाया है. मैं अपने कंसीलर को 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ जिससे वो थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है और जिससे कवरेज ज़्यादा मिलती है. तब तक मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी. कॉन्टोर करने के लिए मैंने सेम पैलेट से चॉकलेट ब्राउन शेड यूज़ करा है और उसको अपने फेस कॉन्टोरिंग एरियाज पर अच्छे से लगाया है. और अब यहाँ पर एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इस कॉन्टोर शेड को अच्छे से ब्लेंड आउट करा है और अब तक हमारे कंसीलर को भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं. सो आप उसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने कंसीलर को ब्लेंड करा है एंड यू कैन सी द रिजल्ट. इसने पहले से ज़्यादा कवरेज दी है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी ये मेथड ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताओ कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी. नोज कंटूरिंग के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश पर डार्क ब्राउन शेड लिया है और ब्रिज ऑफ द नोज पर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हैं. अब एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने उन दोनों लाइंस को डैब आउट करा है जिससे मेरी नोज पहले से ज़्यादा शार्प लगने लगी है. यहाँ पर मैं अपने
फेस मेकअप को सेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पफ में लॉरा मर्सिये का लूज पाउडर लिया है और उसको अपने अंडर आई एरिया पर अराउंड द माउथ अच्छे से डैप करा है। मैं बहुत ज़्यादा लूज पाउडर से बेकिंग प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उससे फेस बहुत ज़्यादा ड्राई दिखने लगता है। और आप एक बिग सफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्रश लगाया है, जिसके लिए मैंने सफोरा का पीच ब्रश यूज़ करा है। अपने आईलिड को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने वाटर लाइन पर गोल्ड की न्यूड पेंसिल लगाई है और इस वाटर लाइन के नीचे मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक शेड से ब्लेंड आउट करा है काजल पेंसिल को। इसके बाद मैं अपना फेवरेट मेबेलिन का मस्कारा लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पर। अब एक फ्लैट ब्रश पर मैं थोड़ा सा चंकी ग्लिटर अपनी आईब्रोज के नीचे लगा रही हूँ, जिससे मेरी जो आई मेकअप है वो और ज़्यादा हाइलाइटेड लगेगा। कलर बार की ब्राउन लिप लाइनर की हेल्प से मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन करा है और अब मेबेलिन की जो मैटिफाइंग लिपस्टिक है इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इस पिंक शेड को मैंने आउटर कॉर्नर्स पे लिप्स के आउटर कॉर्नर पर लगाया है और इनर कॉर्नर पर मैंने ये फेसेस कैनेडा की पीच कलर की लिपस्टिक लगाई है। इन दोनों लिपस्टिक को मैंने आपस में अच्छे से स्मच करा है। स्मच करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल पीची पिंक शेड आया है। प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो अगर आपको ये मेरा मेकअप पसंद आया है और आपने ये वीडियो एंजॉय करा है, प्लीज़ इस वीडियो को जाकर लाइक करें। अगर आपके पास मेरी नेक्स्ट लुक के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएँ। आपने अभी तक अगर मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रिचा भारद्वाज मेकओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।